अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक होस्ट भी हैं, वो एक फ़िल्म क्रिटिक भी हैं, वो एक आर्टिस्ट भी हैं। ये मैडम रानी एक्ट्रेस की बेटी हैं और इनका नाम है राबिया हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। होस्टिंग मैं कहाँ कर रही हूँ? अच्छा, होस्टिंग वो क्रिटिक जो करते हैं वो होस्टिंग नहीं होती? नहीं, वो तो एनालिसिस होता है। मैंने आपका एक आध होस्ट वाला प्रोग्राम देखा हुआ है। वो कहाँ पर देख लिया आप? वो मैंने एक जगह देखा था। मुझे भी दिखाइएगा। अच्छा, आपने नहीं देखा? नहीं। चलें ठीक है, ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा, मुझे बताएं, आपको भी ऐसी फीलिंग आती है कि इतने काम करने के बावजूद आप अपने आप को फारिग फारिग समझती हैं? हाँ, होता है ना, बंदा फारिग कभी फारिग ही हो जाता है, मतलब है ना। हाँ हाँ, हो जाता है। काम कर करके फिर फारिग ही हो जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी जब ज़्यादा काम आ जाए ना, बंदा कहता है हाँ हाँ, बंदा कहता है बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो थोड़ा सा ना कम कर देना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, आप ना अपने ऊपर लिखवा क्यों नहीं लेती? क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि आप ना रानी एक्ट्रेस की बेटी हैं, तो कहीं पर हाँ साइड पे ना कहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी मेरा भी दिल करता है मेरी तख्तील जो है ना, गले में एक लटकी होनी चाहिए। एक्जैक्टली, इस पे लिखा हो। हाँ, वो लेके बस फिर नहीं, यानी लोगों को पता हो ना, यानी कि सबको नहीं पता होता ना। जो आपको जान पहचान वाले सिर्फ उन्हें पता होता, जो आपको नहीं जानते उन्हें नहीं पता होता। तो वो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तख्ती होनी चाहिए गले के अंदर एक इधर पे। वैसे जो आपको नहीं जानते उन्हें बता के क्या करना है? वैसे भी है ना, उन्हें बता के कुछ नहीं करना, लेकिन फिर उनको बहुत, जब उनको पता चलता है तो बड़े हैरान होते हैं। यस 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 यस। अच्छा, मुझे बताएं, सब लोग आपसे ये पूछते होंगे कि आप क्यों नहीं एक्टिंग में आई? ये तो मैं बचपन से ही सुन रही हूँ, है ना। पूछते हैं ना लोग, तो आप फिर उन्हें क्या कहती हैं? कि नहीं आने दिया घर वालों ने। अच्छा, घर वालों ने कर दिया था मना? आपको शौक था कि नहीं? नहीं, वैसे शौक भी नहीं पड़ा, फिर वो घर वालों ने इतना दबाया कि फिर वो शौक ही नहीं पड़ा। अच्छा, बना ही नहीं फिर। ओके ओके। उन्होंने बताया, जैसे कहते हैं कि चाय गर्म है, ठीक है, तो गर्म होने की वजह से फिर बच्चे चाय नहीं पीते, तो ये उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें ना क्या कहते हैं, पैसे नहीं ज़्यादा बनते, तो प्लीज़। पैसे तो बनते हैं, पैसे तो बनते हैं, लेकिन वो उनको पसंद नहीं था उस वक्त में इतना। वो आपको पता है, लोग नहीं पसंद करते थे, अभी भी नहीं करते वैसे ज़्यादा, लेकिन बस एक्टिंग मुश्किल काम है ना। उनको होगा कि हमारी बच्ची है, और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं पेरेंट्स, तो वो चाहते होंगे कि ये आसान काम करें। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर आपने ना आसान काम कर लिया। आपने कुछ लोग आपसे ये भी पूछते होंगे कि आप NCA में आर्टिस्ट की आपने स्टडीज़ की, डिग्री हासिल की, मगर फिर आपने आर्टिस्ट क्यों नहीं बनी आप? तो डिग्री हासिल की है तो है ना, करती हूँ काम मैं। अच्छा, पेंटिंग करती हैं? हाँ। तो ये घर पेंट करती है कि क्या पेंट करती हैं आप? कैनवस करती हूँ या वीडियो बना लेती हूँ, उस तरह के काम करती हूँ ना। खाली पेंटिंग करना तो आर्ट नहीं होता ना, और भी फॉर्म्स हैं। फिर वो पेंटिंग आप बेचती हैं या घर पे सिर्फ लगाती हैं? जब एग्जीबिशन करती हूँ फिर बेचती हूँ। आपने एग्जीबिशन की हुई है? हाँ। कब की थी? अब जरा काफ़ी देर हो गई, बट लाइक 2007, 2008, 2009 में की। ओके, यानी 20 साल पहले की थी। हाँ, कह सकते हैं। ठीक 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 ठीक। उससे अच्छा, आप जब NCA में पढ़ी, ठीक है, तो आपने उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की? नहीं, मैंने उसके बाद मास्टर्स किया BNU से। हाँ, वो विजुअल आर्ट्स में ही था, तो वो किया मैंने। फिर आपने विजुअल आर्ट में क्या काम कर दिया? विजुअल आर्ट में क्या काम किया? हाँ। उसमें फिर मेरा काम वीडियो की तरफ चला गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। उससे आपको फिर शौक हो गया? हाँ। इसमें आने का। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आपसे ये भी पूछते होंगे कि आप फिल्म क्रिटिक हैं, ठीक है, आप यानी फिल्म को बता देती हैं अच्छी है बुरी है, तो आप कब फिल्म बना रही हैं अपनी? तो मैं क्यों फिल्म बनाऊँ? आपको पता है ना कि आप फिल्म में क्या अच्छा क्या बुरा। वो पता होने का मतलब ये तो नहीं होता कि अब आप फिल्म बना भी सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स होते हैं उनका काम ये है कि वो देख के उस चीज़ की एनालिसिस, उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं ना। अच्छा, टेक्निकल एस्पेक्ट का या डिफरेंट, उसमें ये थोड़ी है कि आप उसको बनाने बैठ जाएं। आप क्रिटिक सिर्फ यही होता है ना जो कि कीड़े निकाले। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कीड़े मकोड़े निकाले, खाली कीड़े नहीं, सिर्फ फिल्में से निकालती हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों से भी निकालती हैं। फिलहाल तो फिल्म में से ही, फिल्मों से। तो मुझे बताएं, ये कैसे आपको पता चलता है कि इस फिल्म में ये चीज़ नहीं अच्छी बनी हुई है, इस फिल्म में ये नहीं अच्छा लग रहा है, इस फिल्म में ये अच्छा लग रहा है? देख के? नहीं, देख के पता चल जाता है, फौरन पता चल जाता है कि ये नहीं अच्छा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो अगले को नहीं अच्छी लग रही हो, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हो अगले को अच्छी लग रही हो, तो फिर वो हिट हो ना। अच्छा, मगर ऐसा भी तो होता है कोई फिल्म आपको नहीं अच्छी लगती मगर वो हिट हो जाती है, तो फिर उनका टेस्ट ऐसा होता है लोगों का। नहीं, ऐसा वैसे हुआ कम ही है तो कि जो अच्छी नहीं लगी और वो हिट हो गई। ऐसा कभी नहीं आपको फीलिंग आई जब आपने फिल्म देखी आपको नहीं अच्छी लगी, ठीक है, अगले को अच्छी लगी तो आपको लगा शायद आपने कोई गलती कर दी, आपने दोबारा फिल्म देखी इसी नीयत से शायद आपने कोई गलत नहीं, दो बार बहुत कम फिल्में देखी मैंने, क्योंकि कभी कभार होता है अगर सीट ना चेंज लियो, ठीक है, तो वो आपको ना उस एंगल पे फिल्म अच्छी नहीं लगती, आप एंगल चेंज करें तो फिल्म अच्छी लगने लग जाती। फिल्म में कंटेंट अच्छा लगता है, एंगल चैंगल तो वही होते हैं सारे हॉल एंगल वही होते हैं, क्योंकि मुझे अगर सबसे आगे वाली सीट मिल जाए ना ज़मीन पे बैठने वाली तो मुझे नहीं फिल्म का मज़ा आता, तो वो फिल्म अच्छी नहीं होती। पीछे बैठ के ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मिडिल में और पीछे पिछली, ठीक है, यानी मुँह उल्टा करके फिल्म देखें तो हाँ जो बुरी होगी तो फिर वो मुँह उल्टा कर सकते हैं आप, ठीक है ठीक। आजकल टिकट बड़ी महंगी हो गई है, थोड़ी हो गई है, टैक्स लग गया ना। हाँ हाँ, तो इतना टैक्स क्यों उन्होंने लगा दिया फिल्म पे? हर चीज़ पे टैक्स है, इस पे भी टैक्स है ना, सांस लेने पे भी टैक्स है। अच्छा, मैंने सुना है आपके पास ना रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ है सबसे छोटी उम्र में एज अ प्रोड्यूसर का, क्योंकि ना जो 6 साल की उम्र में बंदा कैलकुलेशन नहीं सही तरह कर सकता, तो आप प्रोड्यूसर कैसे बन गई? मैं उस वक्त 6 साल की नहीं थी, आई थिंक मैं उस वक्त चंद माह की होंगी या 1 साल की होंगी। 1 साल की एज में आप प्रोड्यूसर बन गई थी? देखिए उस उम्र में तो बंदे का क्या कहते हैं बोल भी नहीं सकता, तो आप कैसे बन गए? बस वो माँ बाप को शौक होता है ना, बच्चों का नाम हर जगह वो देते हैं बड़े शौक से, उस वजह से। अच्छा जी, तो आपने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं अपना नाम? नहीं, उनको पता ही नहीं है। 1 साल की प्रोड्यूसर नहीं पता। ओके ओके, फिल्म का क्या नाम था? उमराव जान अदा। उमराव जान अदा के आप प्रोड्यूसर थी? हाँ जी। ये तो मेरे लिए एजाज की बात है ना, ब्रेकिंग न्यूज होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उमराव जान अदा पे पैसे आपने लगाए थे? जाहिर है, होम प्रोडक्शन थी ना। तो वो आप 1 साल की उम्र में इतनी अमीर कैसे बन गई? वो 1 साल का बच्चा जो है उसके माँ बाप का पैसा होता है ना, तो वो अमीर ही होता है। बिल्कुल उसी तरह हमजा शिबाज की तरह। वो तो पॉलिटिशियन है, मतलब उनके साथ तो ना कंपेयर करें मुझे नवाज की तरह, क्योंकि नहीं मरियम नवाज भी ना पैदा होती अमीर हो गई थी। नहीं, बट कंपैरिजन गलत है। अच्छा, गलत कर दिया, चले ठीक है, मगर वो आपको नाम ना आपका जाना चाहिए उस पर गिनीज में। अच्छा, मुझे बताएं, आप जो फिल्म के रिव्यू करती हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी फिल्मों का करती हैं, इंग्लिश फिल्में आपको समझ नहीं आती, क्या वजह क्या है? कम करती हूँ, बस जब जो देखती हूँ तो फिर वो कर देती हूँ, जो देखी होती हैं, जो अच्छी लगती हैं, जिनका पता होता है कि अच्छी आ रही हैं, या जो ज़्यादा जिनके बारे में ज़रा ज़्यादा हाइप होती है। अच्छा, ऐसे मैंने नोट किया आजकल आप ना रिव्यूज़ में ना पाकिस्तानी फिल्मों का बड़ा कम स्कोर दे रही हैं, 1 स्कोर दे रही हैं, 1.5 स्कोर दे रही हैं, क्या वजह? आजकल फिल्में अच्छी नहीं बन रही या आपको पसंद नहीं आ रही? क्या करूं, मुझे खुद अफसोस होता है, लेकिन मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, मतलब जो है जो नज़र आता है वही बता देती हूँ। फिर फिल्में अच्छी नहीं आ रही। वैसे इस साल में 2019 में कौन सी अच्छी फिल्म आई है? एक दिमाग पे जोर डालना पड़ा है बहुत ज़्यादा। आपने सारी फिल्में देखी है ना, इसीलिए तो कह रही हूँ बुरी से बुरी फिल्म भी देखी हुई है। तो आप तो अच्छी पूछ रहे हैं ना, तो अच्छा मुझे बताएं, अब अच्छी के लिए तो मुझे अच्छी कौन सी याद नहीं आ रहा है ना। अच्छा, मुझे बताएं, आखिरी अच्छी फिल्म कौन सी देखी थी आपको? पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा में आपको अच्छी आज तक कौन सी लगी है? नहीं, आज तक तो बड़ा वो लंबा सवाल है। आखिरी अच्छी फिल्म जो मैंने देखी वो तीफा इंटरवल थी। तीफा इंटरवल आखिरी है। अच्छा, और आखिरी बुरी फिल्म आपने कौन सी देखी? अभी अभी देखी है। कौन सी? तो आप चाहते नाम ले लूँ मैं? जी जी जी, अभी सच देखी मैंने। अच्छा, वो आखिरी पूछ रहे हैं ना, तो आखिरी में तो फिर अभी अभी जो रिसेंट तो फिर वही थी। ठीक है ठीक है, यानी आपको राउंड अबाउट से भी बुरी लगी थी? बस पैरेलल ही समझ लें। ओके ओके, ये फिल्में इतनी बुरी क्यों बन रही हैं आजकल? आई थिंक उनको अच्छी लग रही होती हैं, थोड़ा ज़रा सोच विचार कर लें तो बेहतर हो जाएंगी। तो आप चाहती हैं कि ना लोग आपको पैसे देकर रिव्यू चेंज करें? अच्छा, देंगे मुझे पैसे? पता नहीं शायद दे दें। कह रहे हैं तो कोई आपको किसी ने कुछ कान में कुछ कहा हो? कभी आपको ऑफर नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं आई। ठीक है, अगर ऑफर हुआ तो आप रिव्यू चेंज कर लेंगे? सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस अभी भी नहीं सोचना नहीं पड़ेगा। देखें, जो बात ऑनेस्ट होती है, नहीं पैसों का क्या डिपेंड करता है, वो बस अच्छी बना लें। मैं तो कहती हूँ अच्छी बनाएं तो हम अच्छा ही कहेंगे। हाँ, वैसे आने वाली फिल्मों में कौन सी अच्छी होगी? कौन सी फिल्म आ रही है? अभी तो मुझे नहीं पता कौन सी आ रही। अगले साल मैंने सुना 50 से ऊपर फिल्में आ रही हैं। पता नहीं, लेकिन मौला जाट जो है, लेजेंड ऑफ मौला जाट, मेरा हाल वो नहीं आनी, वो नहीं कभी भी आनी। वो हम ऑनलाइन ही देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आएगी आएगी। चलें, हो सकता है 10-12 साल में आ जाए। नहीं नहीं, आ जाएगी, अगले साल ही आ जाएगी। चलें, हम दुआ करते, यानी सिर्फ वही अच्छी होगी, बाकी कोई काम की फिल्म नहीं होगी। ऐसी फिल्म है कि आप लोग फॉरवर्ड करते हैं कि अच्छा ये आनी है, बिलाल अशआरी की फिल्म है तो अच्छी होगी, और उसका ट्रेलर भी सबने देख ही लिया। ठीक है, ट्रेलर देखकर अगर आप अभी उनको उस फिल्म को रिव्यू करना चाहे, कितना स्कोर देंगे सिर्फ ट्रेलर पे? हाँ, ट्रेलर पे तो उसको 4 में से 5 मिल जाएंगे। अच्छा, नहीं, फिल्म को कितना देंगे? अब फिल्म को अभी मैं नहीं कुछ कह सकती, बिकॉज ट्रेलर्स कई दफ़ा जो है वो और तरह के होते हैं, फिल्में और तरह की होती हैं। अच्छा, इसका मतलब है फिल्म अच्छी नहीं होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन देखनी पड़ेगी पूरी। वो एक वो जो 1.5-2 घंटा से होता है, वो बैठ के स्ट्रेच पूरा जो आप उसको, आपको कैसे पता है वो 1.5-2 घंटे की होगा? अगर वो 3 घंटे की फिर क्या होगा? फिर भी देख लेंगे। वैसे मुझे अब इतनी आदत होगी ये बुरी से बुरी फिल्म भी देखने की कि अच्छी फिल्म अगर 3 घंटे की भी होगी तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने सुने कभी कभार आपने, यानी आप ज़्यादातर फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखती हैं। जी, जी, जी। तो ये भी ऐसा भी होता है कि आप अकेली फिल्म देख रही हो और कोई बिना हो? हाँ, ऐसा होता है कभी कभार, एक आध कोई बैठा होता है, और कई दफ़ा मुझे टिकट नहीं मिलती और वो मुझे वेट कहने को, वो कहते हैं वेट करें आप, कोई 4-5 लोग होंगे तो फिर आप। डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगना है, किससे? अंधेरा होता है ना इतना, नहीं तो कोई भी ना हॉल में अंधेरा ही होता है, जिन भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगता। नहीं आते वो डरावनी, बस फिल्म ही होती है जब बुरी होती है तो उसे देख के डर लगता है। डरावनी भी देखती हैं फिल्में आप? नहीं, मेरा मतलब था कि बुरी फिल्म डरावनी होती है। अच्छा, वैसे हॉरर फिल्म तो होती है डरावनी। यानी अगर हमारे उसी की फिल्म आ जाए तो आपको डर लगता है? क्यों? आपने कहा है ना डरावनी फिल्म है। ऐसे डरावने हैं क्या? क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आजकल तो बड़े अच्छे आ रहे हैं टीवी पे यार। अच्छा, आपने उनका देखा है ड्रामा? हाँ, मैं देख रही हूँ। कैसा है उसको कितना स्कोर देंगे आप? उसको तो मैं अच्छा ही स्कोर दूंगी, आई थिंक। वो कुछ चीज़ें उसमें तुमों की बात कर रही है ना? जी जी जी। कितना स्कोर देंगे आप? स्कोर क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? मैं, आप क्रिटिक है ना, तो मुझे लगा शायद आप स्कोर देंगे। होता है एक्चुअली। अच्छा, स्कोर क्या दूँ? चलें 3 दे दूँगी, 3.5। मुझे बताएं, अगर आप जब आप रिव्यू रिकॉर्ड करा रही होती हैं तो आप अगर ज़्यादा टेक्स दें तो आपके डायरेक्टर को गुस्सा क्यों नहीं आता? वजह क्या है? वो इतने स्वीट हैं, इतने वो धीमे हैं और इतने वो अच्छे हैं कि उनको गुस्सा नहीं आता। अच्छा 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 अच्छा, यानी आपने नोट किया कि उन्हें नहीं आता गुस्सा? हो सकता है, वैसे अंदर अंदर उनको आ रहा हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, है ना, घड़ी देखते हैं कई दफ़ा कि अब जाने का टाइम है। और हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, मैंने नोट किया फेसबुक पे आगे ना काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को आप जानती हैं, ना आपकी हेलो हाय काफ़ी लोगों के साथ है। हाँ, वो बस फेसबुक तक ही। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं, मजाक कर। अच्छा, मैंने सुना आप सरमद खोसट के आप इवेंट्स पे भी की, आपकी दोस्ती वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, नहीं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उनकी फिल्म लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च किया था उन्होंने, तो उस पर। अच्छा, मैंने सुना जिंदगी तमाशा, जिंदगी तमाशा पे। ठीक है ठीक है, कैसी थी वो फिल्म? वो अच्छी थी, ट्रेलर ही था ना। अच्छा, ट्रेलर था, फिल्म नहीं थी। फिल्म ही दिखाई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, यानी इतनी दोस्ती नहीं आपकी क्या वो आपको फिल्म पूरी दिखा दें? नहीं, अभी नहीं दिखाई उन्होंने, बस ट्रेलर ही दिखाया। ठीक ठीक, उसके प्रीमियर पे आप जाएंगी अगर उन्होंने आपको बुलाया तो? हाँ बिल्कुल, अगर बुलाएंगे तो जाऊंगी। ठीक है, अगर उन्होंने ना बुलाया तो आप, इसका ये मतलब होगा ना कि आपके दोस्त नहीं है वो? नहीं, इसका ये मतलब होगा कि वो भूल गए मुझे बुलाना। अच्छा, भूल गए, भूल गए। ठीक है ठीक, आप उन्हें याद? हाँ, मैं टेक्स्ट कर दूँ, करा दिया। ठीक करे ना, उन्हें कहिएगा मैंने भी आना, एक टिकट ले लूँगी आपके लिए। जी जी जी, ठीक है। मैंने भी देखना, मुझे बड़ा अरसे से ना फ्री फिल्म देखने का शौक हो, मगर अभी तक मैंने फ्री बहुत देर हो गई नहीं देखी कोई फिल्म। प्रीमियर्स पर तो होती है फ्री। हाँ हाँ, तो आप मुझे फिर फ्री फिल्म दिखाएंगी? हाँ हाँ, चलें चलें, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, शान के साथ भी आपकी मैंने सुना काफ़ी दोस्ती है? हाँ, दोस्त है, एक्टर शान की बात? हाँ हाँ, और कौन है शान? नहीं वही है शान, एक ही शान। और कौन है? आपने कहा मतलब एक्टर क्यों बोला आपने? सिंगर शान भी है। वो तो इंडिया के हैं। हाँ तो आप शान को जानती हैं आप? जी जी बिल्कुल जानती। तो ये शान की फिल्म क्यों नहीं आ रही, क्या वजह? ये तो पूछना पड़ेगा उनसे। आई थिंक वो कर रहे हैं रिलीज शायद नेक्स्ट ईयर। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि पिछले 8 साल से लोग वेट कर रहे हैं उस फिल्म का, आ क्यों नहीं रही? 8 साल तो नहीं हुए ना, अब इस तरह नहीं करें। मैं अपने अब दोस्तों की अब मैं ये तो आपको अब टेकिंग तो नहीं। 10 साल कितने हो गए? 10 साल कहाँ हुए हैं अभी, एक साल ही हुआ है। नहीं ज्यादा टाइम हो गया है, मैंने तो 1.5 साल हो गया होगा। थोड़ी देर का सुना हुआ तो वो आगे नहीं फंस के रह गया तो वो थोड़ा मुश्किल होता है ना, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, एडिटिंग होती है और कितने स्टेप्स होते हैं जो उसमें। पिछली शान की जो है फिल्में वो नहीं इतनी अच्छी थी, तो आपका क्या ख्याल है ये अच्छी होगी? हाँ आई होप सो। क्या नाम है इसका? ज़रार। ज़रार इसका आपने प्रोमो देखा हुआ है ना? प्रोमो हाँ हाँ प्रोमो तो देखा है हाँ। मगर बाकी किसी ने भी नहीं देखा, वो सिर्फ आपने वो आया देखा है उस पे। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया अभी तक। अच्छा लेकिन मैंने तो यूट्यूब पे देखा। नहीं नहीं जब वो छोटा सा टीजर था एक, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उसका। उन्होंने आपको दिखाया था ना प्रोमो, तो उसके मतलब सिर्फ आपने देखा हुआ प्रोमो। कैसा देख चुके हैं लोग अब? कैसा? अच्छा था, अच्छा था प्रोमो तो अच्छा था। यानी उसको आप कितना स्कोर देंगे प्रोमो को? जी जी नहीं मैं प्रोमोज और ट्रेलर्स पे वैसे मैं वो नहीं करती। अरे पिछले दिनों आपने गाने को भी तो किया था रिव्यू, आपने पूरा गाना हाँ अबरार के गाने को किया था रिव्यू, चमकीली। जी जी आपको पता है चमकीली पे एक केस हो गया वाकई? हाँ वो ना मेरे ख्याल आप पे भी केस शायद हो जाए। क्यों केस? क्योंकि चमकीली पे एक बंदे ने केस कर दिया कि इस पे ना मर्दों की ना तजलील की गई है। ये वैसा केस वाला आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं वाकई में सीरियसली हुआ है। हाँ हाँ पिछले दिनों उसकी हियरिंग भी थी। मतलब तो मर्दों की फौरन ही तजलील हो जाती है? नहीं नहीं ये क्यों होता है? ज्यादातर औरतों की होती है। ठीक है तो वही ना, औरतों ने तो केस नहीं किया अभी तक कि हमारी तजलील हुई है किसी गाने में। नहीं 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 फिर नहीं नहीं वो अगर किसी मर्द को ना बिस्ती महसूस हुई होगी तो उसने केस कर दिया था फिर अबरार पे। तो वो कह रहे हैं जिन जिन लोगों ने इस गाने का रिव्यू किया है ना उन पे भी केस होगा। मेरा ख्याल है जिन जिन लोगों ने नहीं किया, मैंने ही किया शायद है ना। हाँ तो आप पे केस हो बनता है। कोई बात नहीं। आपने ना चमकीली जैकेट कैसे पहनी हुई है आपने? ये सांप वाली है ना? हाँ सांप आपने ये सांप मारकर ये बनाई हुई कैसे? मेरा मूड था, मैंने कहा आप ज्यादा सख्त सवाल करेंगे तो ये डस लेगा आपको फिर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। ये बड़ी ना ये चमकीली चमकीली है, मुझे आंखों में पड़ रही है, बहुत पड़ रही है, पड़ रही है। तो आप शेड कर लें अपनी आंखों की। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बताएं क्या कहते हैं होस्टिंग बकायदा कब शुरू कर रही है? मैंने सुना आप कर रही हैं, प्लान कर रही हैं। नहीं मैंने तो कोई प्लान नहीं किया। नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं शुरू कर रही? कर लें शुरू। तो मैं क्यों करूँ वैसे, मतलब करूँ क्यों वैसे, क्या होस्ट करूँ? आप मुझे बताएं मैं क्या होस्ट करूँ? किसी के इंटरव्यू कर लें, होस्टिंग शुरू करें, मेरा इंटरव्यू करें बस। तो बस ये समझ लेना कि आपका भी हो रहा है साथ साथ। ये फुल स्टॉप क्यों कहते हैं आप इसको? फुल स्टॉप क्योंकि जब ऐसा स्टॉप है जहाँ पे फूल आते हैं। नहीं 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 ये ऐसा स्टॉप है जहाँ पे एक फूल पहले से मौजूद है और लोग आके स्टॉप कर रहे हैं। अच्छा और वो फूल कौन है? वो ना ये फूल ये कप को मैं फूल कहता हूँ। अच्छा मैंने सुना कि आपने डायरेक्शन में भी कदम रखा है, आपको स्टेज प्ले डायरेक्ट करी, बात ठीक है? जी ठीक है बात। अच्छा वो कौन सा प्ले है थोड़ा बता दो सही। अभी क्या बताओ, अब आप देखिएगा ना फिर पूछिएगा मुझसे दोबारा कि उसका क्या नाम है। आपने मुझे एज अ एक्टर नहीं लिया उसमें? आपके लिए अब वो कास्टिंग का इशू था एक्चुअली। आपका कोई ना उतना मतलब उसमें कोई नौजवान यंग खूबसूरत लड़के का कैरेक्टर नहीं था उसके। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कास्टिंग का इशू आ रहा था। ऐसे मैंने कभी किया नहीं है स्टेज, मैं चाह रहा था मैं ना एक एक्सपेरिमेंट कर ही लूँ। आपने कभी डायरेक्शन नहीं की, आप भी तो एक्सपेरिमेंट कर ही रही हैं ना, तो आप उन सबको लेती जो कि पहली पहली बार कर रहे थे, फिर वो ऐसा बनता कि कमाल होता, कमाल ही होता है ना। उसके बाद फिर मेरा एनालिसिस हो रहा होता है ना। हाँ तो ये स्टेज कहाँ चलेगा? ये वही वाला स्टेज है ना जिसमें जुगते होती हैं और डांसेस वगैरह होते हैं? नहीं नहीं ये वहाँ होगा जहाँ पे जुगते हैं और डांसेस नहीं होते, मतलब डांस अगर हो भी गया बट वो वाला नहीं होगा। फिर उसका क्या मज़ा है? आएगा ना मज़ा, क्या उसमें क्या होगा, क्या कभी सीरियस बात में भी मजा लेना चाहिए। ट्रेजेडी होगी, इसमें क्या होगा? ये ट्रेजेडी नहीं है, एक्शन होगा। एक्शन होगा, मुक्के मुक्के मारेंगे, मुक्के नहीं पड़ेंगे, तोड़ देंगे लोग। वायलेंस नहीं होगा बट एक्शन। कुर्सियाँ तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? टमाटर मारेंगे। एक्शन है ना, कुछ ऐसा नहीं। आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक्शन में फुल एक्शन। नहीं वो एक्शन नहीं, वो वायलेंस होता है फिर। अच्छा वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ठीक है, नहीं थोड़ा सा एक्शन होगा, थोड़ा सा हल्की सी चपेट, जिस तरह उसने वो वहाँ माइयों से इधर मेरे पास तो में मारी थी। बट नहीं नहीं, वो उतना चपेट नहीं है, बट वैसे एक्शन एज इन एक्शन दूसरा एक्शन भी होता है। अच्छा, यानी डांस वाला जो एक्शन होता है वो वाला होता है। ठीक है, आपने खुद नहीं एक्टिंग उसमें की? नहीं नहीं, एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है और मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं आती एक्टिंग। डायरेक्शन ईजी है? डायरेक्शन ईजी नहीं है, डायरेक्शन भी मुश्किल है। उसमें ज़्यादा जो है, उसमें आपको यानी कि हर तरह से आपको एज एन आर्टिस्ट भी सोचना पड़ता है, एज एन एक्टर भी आपको सोचना पड़ता है। उसमें और तरह की टेक्निकलिटीज़ और तरह की हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो एक मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक फेक सी फीलिंग आती है। तो कैमरे के पीछे तो आप खुद ही हैं ना। अच्छा, तो आप खुद है? नहीं नहीं, वो तो कैमरा मैन है ना कैमरे के पीछे। ओहो, वगैरह जो भी आप मैनेज कर रहे हैं, जो चीज़ें, वो तो आप अपने अपने सेल्फ से ही कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप कोऑर्डिनेटर हो जो प्रोडक्शन। बट कैमरे के सामने आपको एक्ट करना पड़ता है ना। आई कांट एक्ट, ये मेरा मतलब था। पीछे मैं ठीक हूँ। डायरेक्टर का फिर क्या काम है, क्योंकि वो एक्टर ने एक्टिंग कर लेनी है खुद ही। डायरेक्टर सब कुछ मैनेज करता है ना, सब कुछ उसको, उसका विजन होता है, वो सब। मैनेजर होता है जो करता है। तो मैनेजर को हदायत कौन देता है? हदायतकार, हदायतकार देता है। नहीं नहीं, वो तो प्रोड्यूसर है ना, वो बताता है कि यार ये। नहीं, मैं प्रोड्यूसर भी खुद ही हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, आप खुद ही हैं? हाँ जी। मैं क्यों किसी के, मैं इंस्ट्रक्शन लूँगी, आपका ख्याल। ठीक है, तो आपने वो क्या कहते हैं, शुरू कर दिए काम उस पर? हाँ जी, बिल्कुल काम शुरू कर दिए। ठीक ठीक है। अच्छा मैम, मैंने सुना आप छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हैं? हाँ, मैं पढ़ाती हूँ, आर्ट पढ़ाती हूँ। आर्ट पढ़ा, तो आपको बच्चे तंग नहीं करते? मुझे तो बच्चे बहुत तंग करते हैं मेरे। बच्चे तंग करते हैं बट प्यारे भी लगते हैं ना, छोटे छोटे मासूम से होते हैं। ठीक है ठीक है। आपके खुद छोटे छोटे बच्चे हैं? मेरे? हाँ। नहीं, मेरे तो बड़े हैं। बड़े बड़े? मैंने सुना आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं कि आपके साथ कहीं बाहर जाते हैं तो आपको उनकी ना बहन, आप उनकी बहन लगती हैं, वो आपके भाई लगते हैं छोटे? हाँ, ऐसा है। मेरे हाल बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर आप घुल मिल से जाते हैं ना फिर, और लड़के फिर वो दाढ़ियाँ रख लेते हैं तो वो बड़े लगते हैं। ओके ओके, वो हाँ। वैसे औरतों की अगर आती होती दाढ़ी तो औरतें भी हाँ रख लेती, औरतें भी बड़ी लगती हैं। हाँ हाँ, मूछ होती है ऐसे, वो मौला जट स्टाइल और, है ना। ठीक है। वैसे आपके ना लगता नहीं आपके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे? बस अब हैं, मैं झूठ तो नहीं कह रही ना। अच्छा, ऑन कैमरा आपकी एज स्लोली बढ़ रही है या फिर आपकी कम एज में होगी? मैंने रोक दी। ठीक है ठीक, स्विच ऑफ कर दिया। आपके हस्बैंड के ऊपर जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आपके पास है कोई रिश्ता? है? नहीं है? नहीं, 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 नहीं है तो बता दें। नहीं, शर्माए ना आप, शर्मा क्यों रहे? कोई अगर आपको पसंद कर तो आपको प्रपोज करे, आप फौरन हाँ कर देगी या 2-4 दिन बाद हाँ करेंगे? मैं फौरन हाँ क्यों करूँगी, और 2-4 दिन बाद क्यों करूँगी? एक हफ्ते बाद। क्यों एक हफ्ते बाद क्यों करूँगी? चलो 2 हफ्ते बाद। नहीं, थोड़ा सोचूंगी। इतना ज़्यादा? ज़ाहिर है अब इस उम्र में तो बंदा सोचता ही है ना, सोच के ही करता है। हाँ हाँ। वो टीनेज होती है जब आप फौरन आपको दिल कर, हाँ ये शादी कर लें बस, है ना। हाँ, थोड़ी होता है। ठीक है ठीक है। तो आप कितनी देर सोचने का टाइम लेंगे? जितनी देर तक मुझे लगेगा कि सोच दें। अच्छा, उससे क्या होगा? 2 महीना तो यार, अब डेडलाइन है कोई इसकी भी? अगला उस लिहाज से करें ना, ये देखें, क्योंकि सर्दियों में शादियां होती हैं। ठीक है, यही होता है महीना शादियों का। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट उन उस सर्दियों से ना उतने महीने पहले, ठीक है, प्रपोज करे कि आपको हाँ करते करते ना वो सर्दियों वाला महीना आ जाए, ताकि मैं जम जाऊँ। नहीं नहीं, अब आजकल जम रहे हैं लोग, मतलब सिलेंडर भी जम रहे हैं आजकल, गैस के तो लोग जम रहे हैं। नहीं, वो आजकल ही शादियाँ हो रही हैं, कोई है वजह, पता नहीं क्या वजह। आइंदा नहीं होंगे, मुझे लगता है जितनी ठंड है तो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बदलेगा। हाँ, वो धुंध हाँ ज़्यादा हो गया, वेट करेंगे, दिखाई नहीं देता, क्योंकि शादियों में दिखाई ना दे ये भी ठीक नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे हाँ, भी अकल पे पर्दे पड़े होते हैं। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मुझे बताएं अब क्या इरादा है, अभी क्या करेंगे आप? अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ से घर जाऊँगी बस, और उसके सो जाएंगी बस। हाँ कुछ देखूंगी, कोई फिल्म देखूंगी, नेटफ्लिक्स देखूंगी कुछ। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं इंडियन फिल्में जब से सिनेमा में बैन हुई हैं, तो मुझे बताएं आपने इंडियन फिल्म कोई देखी है डाउनलोड करके? सच्ची बात है मैंने नहीं देखी। नहीं देखी ना? मैंने भी नहीं देखी। मैं तो वैसे काफ़ी आई तो थी बट नहीं, सिनेमा में भी नहीं देखता। मुझे इंडियन फिल्में पसंद ही नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ इंग्लिश फिल्में पसंद है। चलिए अच्छा है, हाँ वो भी सही है। हॉलीवुड पे ही फोकस रख। वो भी सिर्फ एक्शन फिल्में पसंद है और कॉमेडी पसंद है और सस्पेंस वाली पसंद है। हॉरर नहीं पसंद? हॉरर भी पसंद है हाँ, बस ये फिल्में पसंद है। वो वाली नहीं, स्लो वाली नहीं, स्टोरी वाली और रोमांटिक फिल्में नहीं पसंद। बाकी रोमांटिक भी नहीं पसंद? और नहीं वो फेक होती हैं, मुझे वो ना वो मुझे नहीं, मुझे लगता है क्या मतलब। देखिए ना लोगों ने सिनेमा या फिल्म क्यों बनती है? आपकी एक फैंटेसी होती है जो आप रियल लाइफ में नहीं अचीव कर पाते, वो आप सिनेमा स्क्रीन पे उस पर देखते हैं ना, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत रोमांस है फिर इसका मतलब। हाँ फिल्मों में सारा प्यार झूठा होता है, ये रियल नहीं होता है। तो सच्चा कौन सा होता है? लेकिन आपको अगर आपको नहीं मिलती, ठीक है, आप अपने आप को मार नहीं लेते हो, अपनी लाइफ नहीं अगर बात करें कोई आपको नो करती है ना, आप फिर अगले के पास चले जाते, आप उसके पास टाइम वेस्ट नहीं करते। इतनी अच्छी पॉलिसी और होती है हाँ, एक थोड़ी होती है। ठीक हाँ हाँ, तो ये तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है कई दफ़ा। अच्छा वो सही फिल्में होती हैं, वही होनी चाहिए फिल्में। चलें ऐसा करते हैं, इसी के साथ ही मैं इजाज़त लूँगा आपको और जी, थैंक यू। मैं भी थैंक यू। हाँ तो इसी के साथ शो ख़त्म करते हैं। थैंक यू आपका आने का। ठीक है, आई होप आप जो काम करें, ठीक है, मुझे भी बताइएगा, मुझे भी दिखाइएगा, मुझे टिकट दीजिएगा। हाँ, वो हो जाएगा फ्री में, पैसे नहीं दूंगा। ठीक है हाँ, चलें खुदा हाफिज़। इसी के साथ ये शो ख़त्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।